अंग श्यामलिं छटाभिरं मंदिकेन्दीवरं जड्डं जागुदरोति संविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेत् ध्यायेत्। माधुर्य कादम्बिनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने आचार्य थे, जो तो आचार्य छिले हिंदी में बोले बंगला ठीक है, बंगला सबूत है। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु के पूर्व में जितने आचार्य आए उन्होंने भगवत्ता का सार ऐश्वर्य बतलाया, किंतु महाप्रभु और उनके परिकरों ने कहा नहीं, क्रोड़ीभूत करते हुए ऐश्वर्य को भगवत्ता का सार माधुर्य है, क्रोड़ीभूत करके उसको। इस प्रकार से महाप्रभु का वैशिष्ट्य और चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज जी को स्वामी कह रहे हैं चैतन्य वतारे वह प्रेमामित बन्या, इसके पहले प्रेम की बन्या बाढ़ नहीं पहले आई थी। सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी है धन्या, हे बन्या जीना भाषे जे से जीव चार कोटि कल्प नहीं तहां था। कोटि कल्पों में ही चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर के यदि प्रेम में वह नहीं डूब गया, प्रेम नहीं प्राप्त करता उसका जीवन फिरता उथली तो प्रेम बन गया, प्रेम बन गया उठी नवदीप धाम से मायावादी भागे, कुछ भागे पुरी में गए, कुछ गए काशी में, किंतु बन्या उनको भी छोड़ी नहीं, खुद महाप्रभु बाढ़ ले करके गए और पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि मायावादियों को डुबा दिया और बाकी रहा काशी में जो भाग करके गए महाप्रभु खुद गए प्रेम की बन्या लेकर के और प्रकाशानंद सहित हजारों 60,000 उनके शिष्यों को भी प्रेम बन्या में उनको भी भक्त बना दिया। इस तरह से ये महाप्रभु जी की कृपा यही है मेघमाला जो प्रेम की वर्षा करती है। श्री पापरे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी, महाप्रभु की जो ये कृपा है, आज देखो हजारों लाखों विदेशी भक्त भी भारतवर्ष में भी सर्वत्र, केवल बंगाली नहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण में सभी देश, उत्तर भारत में पंजाब इत्यादि, काश्मीर जम्मू सभी, अमृतसर सभी जगह, आसाम में सर्वत्र वो बाढ़ आए। कृपा कदम्बिनी हृदय में के भूमि में नवोदित नौ रूप से उदित जो नौधा भक्ति है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण नौधा भक्ति, इसको जीवनी संचारित करती है। मेघमाला जल रूपी अमृत को बरसा करके धान इत्यादि सरसों का नवजीवन संचार करती है।
पृथ्वी में जो सस्य पड़े रहते हैं, धान के बीज, गेहूं के बीज और सब घास सबको संचरित करती है। किंतु एक बात है, इसमें उसमें पहले से कुछ बीज रहता है, वहां बीज नहीं रहने से वर्षा से नहीं होगा। किंतु महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है कि बीज रहे नए बीज को उत्पन्न कर देती है। मेघमाला चैतन्य महाप्रभु की भक्ति संस्कारों की बीज मूल के सहित उसर हृदय में भी बो देती है। मायावादियों का हृदय उस तभी भक्ति वहां पर नया बीज दे करके अंकुरित करके उसे लता वृक्ष लगा करके उसमें फल फूल पैदा करती है। अर्थात प्रेम ये फल है, इसको प्रदान करती है। न भक्ति नवीन भक्ति अथवा नौथा भक्ति, यहां नवोदित कोमल भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं इत्यादि। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवोदित भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तार्वत सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले पाए। भजन में नौ प्रकार की भक्ति, उसमें पांच प्रकार की भक्ति और श्रेष्ठ साधु संग नाम कीर्तन भागवत समय मथुराबाद श्री मूर्ति श्रद्धा यही सकल पंचांग कृष्ण प्रेम जन्माई के पारे तिहार और फल प्रसंग अपराध रहित यदि हो तो ये पांच भक्ति इतनी प्रभावशाली हैं कि प्रेम उत्पन्न करते हैं। किंतु बस अपराध भाइयों, अपराध से बचो। अपराध किसी वैष्णव का चाहे जैसा भी है दुष्कृति भी है मत करो आलोचना। यदि सुधार सकते हैं सुधारो, संग मत करो किंतु उसकी चर्चा मत करो। यह नौधा भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य मेघ माला से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त नौ प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को अभिभूत कराने के लिए और कृष्ण की सेवा करने के लिए महान सामर्थ्य रखती है। यही नौ नहीं और पांच जो कहा उसमें तीन शेष श्रवणम कीर्तनम स्मरण और उनमें क्रोड़ीभूत करके एक तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम सुन, इसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। और उस नाम में भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को क्यों लिया? राधे कृष्ण करते हरे कृष्ण क्यों लिया? हरे कृष्ण में जो माधुर्य है वो राधे कृष्ण में माधुर्य नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, ये कितने जोड़े हुए? आठ जोड़े, सोलह नाम आठ जोड़ा। और आठ में हरे कृष्ण राधा कृष्ण का मिलन, हरे कृष्ण मिलन और कृष्णा कृष्णा यहां पर वियोग हो गया। कृष्ण अलग है, राधा जी अलग है। इसमें राधा जी ने कृष्णा कृष्णा हरे हरे और फिर हरे राम में मिलन है और राम राम हरे हरे इसमें वियोग है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नाम अमृत भजन रहस्य में इन सब का भाव विवेचन, ये जो माधुर्य है ये राधा कृष्ण कहने में नहीं होगा। ये महाप्रभु इसी का आस्वादन करते थे गंभीरा में राय रमानंद और स्वरूप दामोदर के साथ, इसके माधुर्य को
हाँ वो दिए हैं माथुर जी पर व्याख्या दिया है। पूज्य चरण ग्रंथकार महोदय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लास में भर करके चैतन्य जी के कृपा का दंबनी को मेघमाला को का तीसरा प्रभाव वर्णन कर रहे हैं। विश्वापगो उल्लासिनी वर्षा काल में मेघमाला खना भर वृष्टि से नद नदियां भर जाती है, चारों तरफ में वर्षा काल में पानी हो जाता है, चारों तरफ में कहां पानी है कहां गहरा है कहां नीचा है कहां ऊंचा है इसका सब विचार नहीं रखती, उसमें तरंगे उठने लगती हैं।